अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। गोल्ड फाइनली एक टेक ऑफ की तरफ चल पड़ा है। फ्राइडे को 1809 के आसपास ओपन हुआ था और तकरीबन 1834 का हाई बनाया। मेन बाइंग गोल्ड में तब आई जब यूएस के जॉब्स नंबर्स आए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो यूएस का डाउन था, लेकिन नॉन फार्म पेरोल्स जबरदस्त क्रैश हुए। लास्ट टाइम नॉन फार्म पेरोल 1 मिलियन से भी ज़्यादा थे और इस बार उसके 25% ही थे। मतलब लास्ट मंथ से अगर लास्ट मंथ में अगर 10 लाख जॉब्स ऐड की यूएस ने, इस मंथ मतलब अगस्त में सिर्फ 2.5 लाख, और यह जो कल नंबर आया था 2,35,000 टू बी प्रिसाइज, इतनी नंबर्स इतनी जॉब्स यूएस ने ऐड की। एक बहुत ही एक पॉजिटिव साइन था ये गोल्ड के लिए। मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे पहले ही इंटीमेट कर दिया था, इनफैक्ट इस चैनल पे शॉर्ट्स भी डाल दिया था कि गोल्ड को सेल ना करें क्योंकि डाटा वाज वेरी पॉजिटिव। फाइनली काफी वीक बाद अगर आप देखो तो बहुत ही एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है गोल्ड की। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा है वो देख लेते हैं। ऑल टाइमिंग्स आर इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। आई विल ओनली हाईलाइट फ्यू मेजर डेटा। जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर्स मंथली मंडे, जर्मन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली ट्यूसडे, रिवाइज क्वार्टरली जीडीपी फ्रॉम यूरोप एंड वेडनेसडे, ब्रिटेन मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स, जॉब ओपनिंग्स, 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन, थर्सडे यूरोप मॉनेटरी पॉलिसी, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। जर्मन इन्फ्लेशन नंबर फ्राइडे, कोर पीपीआई मंथली पीपीआई नंबर्स फ्राइडे एंड मंथली होलसेल इन्वेंट्रीज फ्रॉम यूएस। लास्ट वीक ही मैंने आपको बता दिया था गोल्ड पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है। आप भी देख सकते हो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 1816 पे, 1826 के आसपास बंद हुआ है। सो $10 की लास्ट वीक में गेंस आई। ज्यादा गेंस होनी चाहिए थी बट ये जो थोड़ा सा एक पैच आ गया बीच में उसकी वजह से गेंस थोड़ी कम हो गई है। गोल्ड ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव हुआ था। अगर आपको लास्ट वीक का वीडियो याद हो तो मैंने ये पोर्शन हाईलाइट किया था कि 1832 1833 के आसपास का गोल्ड का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस गोल्ड को लगेगा, आप भी देख सकते हो 1833-94 का हाई बनाया है। अभी भी ये वाला जोन 1834 का ब्रेक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गोल्ड में 1834 के ऊपर की क्लोजिंग एक थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं कंफर्म और डबल कंफर्मेशन दे देगी गोल्ड के लिए। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है तो सेलिंग से बचिएगा। नेक्स्ट वीक का जो सपोर्ट है वो है 1760 का। 1760 के नीचे अगर गोल्ड जाता है और क्लोज होता है, ध्यान रखिएगा ये क्लोजिंग बेसिस पे है, 1760 के नीचे $1700 तक जा सकता है। इस वीक का रेजिस्टेंस सेम 1834 रहेगा पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 1860। 1860 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो $1900 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है जैसे कि लास्ट वीक भी बताया था, तो पोजिशनल सेलिंग बड़े सेलिंग से बचिएगा। इंट्राडे में सेलिंग अगर ट्रेंड वीक है तो की जा सकती है, उसके लिए इंट्राडे मेरा वीडियो देखिएगा। डेली वीडियो आता है मंडे टू फ्राइडे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। अब देखते हैं सिल्वर।
वैसे MCX के लेवल कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के वीकली लेवल देखे जा सकते हैं। तो सिल्वर ने फाइनली फ्राइडे को आउट परफॉर्म किया। इंटरेस्टिंगली पूरा वीक ही आउट परफॉर्मेंस था सिल्वर का। अगर मैं करेक्ट वर्ड्स में कहूँ तो सिल्वर के आउट परफॉर्मेंस से ज़्यादा गोल्ड का अंडर परफॉर्मेंस था, क्योंकि बाकी चीज़ें भी चल रही थी लेकिन सिर्फ गोल्ड ही नहीं चल रहा था। फ्राइडे भी गोल्ड को जितना चलना चाहिए था उतना नहीं चला। किसी चीज़ का वेट कर रहा है, शायद 1834 के ऊपर क्लोजिंग आए गोल्ड की तो बेहतर मूवमेंट्स आए। फिलहाल आप ही देख सकते हो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे $24 से भी नीचे ओपनिंग हुई थी और अभी 2468 यानी तकरीबन 70 सेंट की गेन्स आ चुकी हैं पूरे वीक में। मैसिव मैसिव गेन्स कंपेयर टू गोल्ड। फिलहाल 2468 के आसपास बंद हुआ है। इसका भी एक माइल्ड जो हाई है, ये 2486 का जो हाई बना है, थोड़ा सा यहाँ पे एक माइल्ड सा रेजिस्टेंस है, तो इसलिए दो रेजिस्टेंस आज वापस दे रहा हूँ सिल्वर के। एक है 2490 का, 2490 के ऊपर निकलता है तो दूसरा रेजिस्टेंस वैलिड होगा जो है $26.20 पे। $26.20 के ऊपर जाता है तो $27 और $29 तक जा सकता है। इस वीक का सपोर्ट है $24.90 का। $24.90 निकलता है, माफ कीजिएगा, 2490 तो रेजिस्टेंस है। इस वीक का सपोर्ट है $23.20 का। $23.20 के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो $22 और $21 तक सिल्वर जा सकता है। सिल्वर ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुका है तो सेलिंग से बचिएगा। छोटा सा वेट 2490 के ऊपर करने का है अपने को। 2490 के ऊपर मार्केट ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो गोल्ड का और सिल्वर का दोनों का एक छोटा रेजिस्टेंस भी दिया है मैंने इस बार, ख्याल रखिएगा। और वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। अगर आपको लास्ट वीक का वीडियो याद हो तो मैंने ये हाईलाइट किया था और बताया था कि हो सकता है डबल बॉटम बन जाए गोल्ड के अंदर। वैसा ही हुआ। ये देख सकते हो मंडे ओपनिंग हुई थी $69 के आसपास, क्लोजिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही हुई है फ्राइडे, थर्सडे, मंडे। इवन दो क्लोजिंग सेम ही हुई है बट इस बार की क्लोजिंग डिफरेंट है बिकॉज लास्ट वीक जो था क्रूड ऑयल वीक जोन में था, इस वीक पॉजिटिव जोन में आ चुका है। इवन दो $69 की ही क्लोजिंग हुई है, अब से क्रूड ऑयल का ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस वीक का सपोर्ट रहेगा $62 का। $62 से नीचे निकलता है और क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा ये क्लोजिंग बेसिस के लेवल्स हैं, क्लोज देता है तो $60 और $57 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $72.20 का। $72.20 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है, ध्यान रखिएगा वीकली लेवल्स हमेशा क्लोजिंग बेसिस लेवल्स होते हैं। इसके ऊपर क्लोज देगा तो मार्केट तकरीबन $75 और $80 भी जा सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर सारे के सारे ट्रेंड पॉजिटिव हैं, सेलिंग से बचिएगा। इंट्राडे में सेलिंग की जा सकती है वीडियो देख के, अगर ट्रेंड आपको वीक दिखाई दे तो। बाकी पेड सिग्नल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके, कमेंट भी कीजिए। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीक मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।